जो दवाएं आम तौर से होती हैं वो दवाएं निशुल्क दी जा रही हैं। उसके अलावा जो नज़र के चश्मे हैं नज़दीक के, वो भी हमारी एसोसिएशन की तरफ से बिल्कुल निशुल्क बिल्कुल मुफ्त दिए जा रहे हैं सब लोगों। हम तो यहाँ रुझान बहुत देख रहे हैं, हमने रजिस्ट्रेशन दो बार शुरू किया, दो बार बंद किया, क्योंकि बार बार लोगों की भीड़ जुट जा रही है। तो हम डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट एक बार करेंगे और अपने एसोसिएशन में भी बात रखेंगे कि इसको रेगुलर बेस पर हम लगाएंगे। पूरी दिल्ली में कहीं से भी किसी भी वर्ग के किसी भी क्लास के कोई भी लोग यहाँ आ सकते हैं, सबका यहाँ स्वागत है। अभी हमारे साथ में नई दिल्ली जिला प्रशासन से भी कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं और जो जनपद मार्केट एसोसिएशन उनके जो प्रेसिडेंट हैं श्री संजीव अरोरा जी, वो यहाँ बैठे हुए हैं। सब कुछ फ्री सेवा है, सब कुछ फ्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूँ आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मार्केट में और यहाँ पे जो है ऑल जनपद मार्केट एसोसिएशन है उसके द्वारा एक निःशुल्क आंखों की जाँच करवाई जा रही है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है और ऐसा क्या सोच के इन्होंने ये जो कैंप है वो लगवाया है, क्या कहेंगे सर? मैम, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कैंप को इसलिए चुना कि लोग इसको देखें और लोगों को अवेयरनेस हो और लोग ये काम करें। यहाँ मैम बहुत पुरानी ये मार्केट है, बहुत दिन से बहुत लंबे वक्त से लोग यहाँ काम करते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ नौकरी पर काम करते हैं, उनको इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपनी आँखों को चेक करा सकें। अगर वो आँखों को चेक कराने जाएंगे तो उनकी जो झाड़ी है, उनकी जो दिहाड़ी है, उसका नुकसान होगा। और हमने यही सोचा तमाम एसोसिएशन ने मिलकर के कि हम एक ऐसे कैंप को ऑर्गेनाइज करें। और हम धन्यवाद देंगे हमारी जो डॉक्टर एकता जैन हैं, उनका हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने उसको माना और बड़ी तमन्नता से सुबह 10 बजे से बगैर कुछ खाए पिए और बगैर कुछ नाश्ता किए वो बड़ी मेहनत से लगी हुई हैं और लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा भी कि और जो भी लोग आपकी जिस तक भी आवाज़ पहुँच रही हो वो सब लोग आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं पूरी तरह से। क्या ये पहली बार आपने कैंप लगवाया है? ऐसे तो मैम अगर आप बात करेंगी तो कोरोना की वैक्सीनेशन का काम जिस जगह पर आप खड़ी हैं लगातार 4 से 5 हज़ार लोगों को हम लोग करा चुके हैं अपने मार्केट में। और एक और मैं आपको बात बता दूँ, दिल्ली में सबसे पहली ये मार्केट है कोरोना फ्री सर्टिफिकेट मार्केट का, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जिसको मिला हुआ है। तो उसमें पहला हमने वैक्सीनेशन करवाया कोरोना का, उसके बाद में एक और कैंप लगाया। तो हमने फिर ये सोचा कि क्यों ना आँखों का कैंप लगाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, पता नहीं चल पाता है कि आँखें खराब हो रही हैं। तो यही कोशिश है कि लोगों की आँखें बचें, लोगों की आँखें बचें। साथ साथ में अगर देखा जाए जिस तरह से आपने यहाँ पर जो कैंप ये लगाया है, जाँच फ्री हो रही है, मुफ्त में आप जाँच करवा रहे हैं, साथ साथ में जो दवाइयाँ हैं और जो चश्मे लगाए जा रहे हैं वो भी यहाँ जो जाँच हो रही है। और मैं एक चीज़, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, यहाँ बीपी की भी जांच कर रहे हैं, शुगर की भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही समस्याएं आँखों की बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा एक रिपोर्ट जो डायबिटीज़ के कारण लोगों की रेटिना खराब होती है, पुतली खराब होती है, वो भी एक फंडस फोटोग्राफी यहाँ कर रहे हैं। जो दवाएं आम तौर से होती हैं वो दवाएँ निःशुल्क दी जा रही हैं। उसके अलावा जो नज़र के चश्मे हैं नज़दीक के, वो भी हमारी एसोसिएशन की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क बिल्कुल मुफ्त दिए जा रहे हैं सब लोगों। क्या लगता है ये जो आपने अभियान शुरू किया है, आपने बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ किया है कि वक्त नहीं मिलता जो यहाँ पे जॉब करते हैं उनके लिए, तो उनके लिए फ्री सेवा है, क्या लगता है आगे कितना और आगे बढ़ा के लेके जाएंगे इसको? हम तो यहाँ रुझान बहुत देख रहे हैं, हमने रजिस्ट्रेशन दो बार शुरू किया, दो बार बंद किया, क्योंकि बार बार लोगों की भीड़ जुट जा रही है। तो हम डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट एक बार करेंगे और अपने एसोसिएशन में भी बात रखेंगे कि इसको रेगुलर बेस पर हम लगाएंगे और ज़्यादातर लोगों को इसका फ़ायदा हो, हम तो यही चाहेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्या सिर्फ जनपद जो मार्केट है वहीं के लोग आ सकते हैं या दिल्ली से? पूरी दिल्ली में कहीं से भी किसी भी वर्ग के किसी भी क्लास के कोई भी लोग यहाँ आ सकते हैं, सबका यहाँ स्वागत है। अभी हमारे साथ में नई दिल्ली जिला प्रशासन से भी कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं और जो जनपद मार्केट एसोसिएशन उनके जो प्रेसिडेंट हैं श्री संजीव अरोरा जी, वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो सब लोगों का कोऑपरेशन है, सब लोग चाहते हैं, ये हमारे सब साथी हैं, मार्केट के दुकानदार हैं, ये साथी हैं, सारे लोग हैं, तो बड़ा अच्छा माहौल है और बहुत तरीके से काम। जितने भी जैसे आपने बताया डॉक्टर आई हैं चेकअप के लिए, तो वो जो चेकअप कर रही हैं फ्री सेवा दे रही हैं? बिल्कुल, सब कुछ फ्री सेवा है, सब कुछ फ्री। मतलब अगर आपने उनको बुलाया तो आपने उनको इसके लिए कुछ दिया नहीं है, पे नहीं? ना कुछ दिया है, ना वो कुछ लेने को तैयार है, ना वो कुछ हम देने को तैयार है, और ना कोई चश्मे वाले साहब हैं, हसन साहब हैं, उन्होंने अपनी तरफ से, हमने कहा था कि एसोसिएशन ही इसका कर दे, बोला नहीं चश्मा मेरी तरफ से रहेगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अब ये भैया हैं दोनों बीपी वाले हैं और ये शुगर की कर रहे हैं, नए बच्चे हैं दोनों ये, हम तो इनके भविष्य की अच्छी कामना करते हैं। ये लोग भी सुबह से बैठे हुए हैं और तमाम लोगों का कर रहे हैं, ये फंडस फोटोग्राफ कर रहे हैं, ये बड़े पुराने हैं शिवशंकर जी, राजेश जी हैं, ये सारे डेडिकेटेड लोग हैं, ये मदद करना चाहते हैं लोगों की, ये सबको 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 आसानी देना चाहते हैं, ये समझ रहे हैं कि इन्हें ज़रूरत है। बहुत सारे केस हमारे सामने ऐसे आए कि वो डैमेज के बिल्कुल आखिरी दहाने पर हैं,
उनको यही नहीं पता है कि हमारी आंख को लेकर के हम कैसे जी रहे हैं। तो क्या वजह है कि लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते? देखिए, पूरी ज़िंदगी कमाते कमाते निकल जाती है, फिर भी अपने शरीर की बीमारियों के लिए कोई क्यों नहीं सोचता कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम आगे चलेंगे? देखिए मैम, यह हमारी जीवन शैली की बात है। आप देखिए, अगर हमारे पेट में दर्द होगा हम तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे दांत में दर्द होगा हम जाएंगे। आँख से हमें प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा कम दिखेगा तो हमारे एक साथी ये कहते हैं मुझे इनकी शक्ल पहचानने में नहीं आ रही, कोई बात नहीं दो बार आँख करूँगा आ जाएगी पहचानने, तो उसको बीमारी नहीं मानते। इसमें मैं सरकार से आपके माध्यम से एक अपील करूँगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इसका अवेयरनेस करे, आँख की बीमारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताए और समझाए कि ये सबसे अहम पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर आंखें ही चली गई तो देखेंगे कैसे, कमाने के रास्ते बंद हो जाएंगे, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। तो क्या ये एक ही दिन के लिए कैंप है आपका? फिलहाल हमने इसको ट्रायल बेसिस पे किया था कि क्या रिस्पांस आता है, लेकिन रिस्पांस ये हमें बता रहा है कि हमें रेगुलर बेस पर इसको लगाना होगा। और हम मैं एसोसिएशन की तरफ से आपसे ये अपील करूंगा कि जब भी हमें ये कैंप लगाएंगे हम आपको ज़रूर इत्तला करेंगे, और क्योंकि आप मीडिया का चौथा स्तंभ है भी भारत का, तो आपकी वजह से लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। अगर 10 लोग भी इसका फ़ायदा उठा जाएंगे तो हम अपने आप को कामयाब समझेंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मार्केट में, जहाँ पे आंखों का निशुल्क जो है जांच चल रही है, साथ साथ में दवाइयों से लेकर चश्मे तक मुफ्त में शुगर की और बीपी की भी यहाँ पे जांच चल रही है। किसी को भी अगर ज़रूरत हो, कोई भी देख पा रहा हो, जिसे भी लगता हो कि उनको आना है, तो जनपद आके आपकी एसोसिएशन से संपर्क कर सकते हैं कि अगला कैंप कब लगने वाला है, वो अपनी आँखों की जाँच कब करवा सकते हैं। एक सराहनीय कदम है, देखा जाए तो अगर आँखें नहीं है तो शायद हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम कमा सकते हैं, ना हम ठीक से खा सकते हैं, देख तो सकते ही नहीं। जब हम देख ही नहीं सकते तो हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।